हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक अलग रेसिपी, वो है करेले की सब्ज़ी। तो वैसे तो बहुत ही करेले की सब्ज़ी बहुत लोग बनाना जानते हैं, लेकिन मैं कुछ नए तरीके से लेके आई हूँ करेले की सब्ज़ी के अंदर। अपन थोड़ा सा बेसन मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनने वाली है। तो चलिए, करेले और बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए अपन को किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए अपन को चाहिए, मैंने यहाँ पर करेला लिया है जिसको अच्छे से धो के और इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है फ्रेंड्स, और तीन मिर्ची लिए जिसके यहाँ चारों तरफ से कट लगा दिया है। और अब यहाँ पे लिया है आधा कटोरी बेसन, यहाँ पे मिर्ची मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है क्योंकि दो जगह अपन नमक इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसमें पहले से थोड़ा डाला है। और डेढ़ मिर्ची का है, आधा हल्दी, एक धनिया आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है गर्म मसाला, जीरा, कलूंजी, अजवाइन और ये है अमचूर पाउडर। तो इसमें लिया है मैंने एक नींबू का रस। तो चलिए अपन अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने करेले को इस बड़े धामे में निकाल लिया ताकि अच्छे से मिक्स कर पाऊँ। अब इसके अंदर डालेंगे अपन आधा चम्मच नमक और ये एक नींबू का रस। अब क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसको थोड़ी देर रखने का मतलब ये होगा कि इसका जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं कम से कम इसको रखे हुए। अब इसको निचोड़ लेते हैं, इसमें थोड़ा बहुत पानी छोड़ देता है ये, तो इसको निचोड़ निचोड़ के अपन निकाल लेंगे। इस तरह से इसको निचोड़ेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा लेके। अलग प्लेट में निकाल लूँगी मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सारे करेले को मैंने यहाँ पे देखिए निचोड़ लिया है अच्छे से इसको। और अब इसके अंदर मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ पे नमक अपन ने पहले ज़्यादा लिया था फ्रेंड्स, तो उसके हिसाब से आप कम नमक लेना, मैं दोबारा बता रही हूँ। तो ये जो मिर्ची मसाले सारे इसके अंदर डाल देंगे और अब डालेंगे अपन गरम मसाला। और मैं इसके अंदर सारे करेले के अंदर 4 चम्मच ये छोटे चम्मच बेसन लूंगी। अब थोड़ा सा इसके अंदर तेल लेंगे, यही छोटे चम्मच के अंदाज से थोड़ा सा इसके अंदर तेल डाल दूंगी मैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि मसाला जो है सब करेलों पे लग जाए। तो फ्रेंड्स, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए। अब अपन 1.5 चम्मच तेल ले लेंगे क्योंकि करेले को अपन पूरे को तेल के अंदर ही पकाएंगे अच्छे से, तो इसलिए 1.5 चम्मच तेल ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, तेल अपना गर्म हो चुका है, सबसे पहले डाल देंगे जीरा और कलौंजी और ये अजवाइन लिए, दोनों को साथ में डाल देंगे। इनको हल्का पका लेंगे। तो जीरा, कलौंजी, अजवाइन पक चुके हैं यहाँ पे। और अब अपन डाल देंगे इसके अंदर जो करेले अपन ने तैयार किए थे। ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस कम से कम इसको इसी तरह से चलाते हुए 5 मिनट तक पकाना है। तेल के अंदर ही फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर डाल देंगे अपन ये 3 मिर्ची लिए मैंने, हरी मिर्ची, जिसके 6
चीरा लगा के इस तरह से, और अब इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में डाल देंगे अपन अमचूर पाउडर। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक के पकाएंगे फ्रेंड्स, ताकि करेला जो है अच्छे से जल्दी पक के तैयार हो जाए अपने। तो इसको ढक देंगे अपन कम से कम 7-8 मिनट के लिए, और बीच में चला लेंगे एक दो बार ताकि जले नहीं मसाला। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं मेरे को, कम से कम 10-12 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, और देख सकते हैं आप अपनी सब्ज़ी जो है पक के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो मैं एक बार आपसे फिर से बोलना चाहूँगी, जब आप इसको ढक सकते हो तो बीच बीच में आप खुद चेक करते रहना 2-3 बार, ताकि सब्ज़ी जो मसाला है जले नहीं। और इसके अंदर अपने अमचूर पाउडर, नमक, नींबू डाला है, इससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर डालना, और इसके अंदर वो जो है ना गर्म मसाला वो सारे डालना, इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बेसन वगैरह। तो इसी तरीके से आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना करेले की सब्ज़ी। अब गैस को कर देंगे बंद, देख सकते हैं आप सब्ज़ी अपनी बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। और मैं अब आपको दिखाती हूँ किस तरह से अपनी सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स बन चुकी है अपनी करेले की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। इस तरह से आप भी ज़रूर बना के ट्राई करना। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राम राम साहब, जय श्री कृष्णा।